दोस्तों, मैं गुफरान मलिक, जिला अध्यक्ष जनता देश संगठन सहारनपुर। आज बड़े दुख के साथ मुझे यह बयान जारी करना पड़ रहा है कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं और लॉकडाउन के चलते जो हालात पेश आ रहे हैं, इस पर मैं रोज चर्चा कर रहा हूं। हमारे विधायक जनप्रतिनिधि चुने हुए कहां छुपे हुए हैं, यह समझ में नहीं आ रहा। जनता के बीच किसी भी किस्म का राशन पानी वितरण नहीं किया जा रहा है। हाजी फजलुर रहमान साहब के यहां से उनके भतीजे खुद अदनान कुरैशी 2-3 बार खाना लेकर आए हैं, लोगों तक मैंने पहुंचाया है उनके जरिए। लेकिन हमारे और लोग जो है वो दिखाई भी नहीं दे रहे। मैं देख रहा हूं कि नर जिनकी लोग मजाक बनाते हैं वो इन विधायकों से बेहतर साबित हो रहे हैं। कई जगह के वीडियो आए हैं जहां किन्नर गरीब लोगों में राशन की व्यवस्था कर रहे हैं और जिन लोगों को वोट देकर इन्हीं गरीब लोगों ने ताकत प्रदान की है वो छुपे हुए हैं। प्रशासन भी तो रोड पे है, क्या उनके परिवार नहीं है? वो भी तो बीमारी से कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, लेकिन जनता के लिए व्यवस्था बनाने के लिए रोड पे। ये विधायक पार्षद जिनको जनता ने, इसी गरीब आवाम ने वोट देकर ताकत प्रदान की है, उनको चुना है, इन्हें कोरोना वायरस से इतना डर लग रहा है कि बाहर को निकल के लोगों के बीच राशन पानी भी वितरण नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन दिल गुर्दा नहीं है। विधायक बनने की तमन्ना रखते हैं लेकिन जनता की सेवा करने का हौसला नहीं रखते। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नगर निगम वार्ड 67 की हबीबगढ़ की मैं रोज बात करता हूं। अगले 14 दिन ये बहुत कठिन गुजरने वाले हैं। मेरे एक मित्र का फोन मेरे पास अभी आया कुछ देर पहले। उसने मुझे बताया कि 2 किराए पे रहने वाले परिवार हैं जो किराए पर रह रहे हैं, उनके यहाँ रात खाना नहीं बना, इंतजाम नहीं था, इसलिए उन्हें भूखा लेटना पड़ा। कंट्रोल रूम 112 पे फोन नहीं करने की हिम्मत जुटा पा रहे लोग। 1-2 वीडियो जो वायरल हुआ है कि ऐसा ना हो कहीं उलझाने दिया जाए, इसको भी दहशत का माहौल बना दिया गया। और फिर क्या करेंगे, बनी बनाई भोजन, एक जरा सी रोटी और जरा सा सालन, पता नहीं किस तरह का वो बना हुआ है, वो लाके पकड़ा देते हैं। क्या भला हो रहा है एक परिवार को उसमें? हमारे एक मित्र हैं, वो पैकेट बना दे लेकिन उनको राशन पानी लाने नहीं दिया जा रहा। मोहम्मद गयूर प्रधान उनका नाम है, घाने से रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान में रहते हैं। मैं उनके बारे में बोल रहा था कि आटा लाने की उनको इजाजत नहीं दी जा रही, ताकि वो जो है क्या नाम, कुछ आटा और कुछ चीनी और पत्ती रखकर एक पैकेट बनाकर लोगों में वितरण कर सके। ये राशन देने की आवश्यकता है, बना बनाया भोजन देने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। बना बनाया भोजन स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे, फुटपाथ पर जो गरीब लोग पड़े हैं जिनके यहाँ बनाने वाला भी कोई नहीं है बेचारा, और होटल भी नहीं खुल रहे जहां से वो अपना करते थे, उन लोगों के लिए बना बनाया भोजन होना चाहिए। गरीब परिवार में तो राशन पानी की व्यवस्था करानी चाहिए। और हम, मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि आपके पास इतना डोनेशन आ गया है, इतना रुपया इकट्ठा हो गया है, लगभग कोई 80,000 करोड़ के लगभग आपको डोनेशन आ चुका है, चंदा आ चुका है इस महामारी से लड़ने के लिए। जीरो बैलेंस के खाते प्रधानमंत्री जी द्वारा खुलवाए गए थे, तो इनका फायदा कब उठाया जाएगा? मैं अनुरोध करता हूं
कि जीरो बैलेंस के खातों में आपके पास पूरे भारत का डाटा है, कितने लोग गरीब है कितने नहीं है। कम से कम 5,000-5,000 रुपए की व्यवस्था जीरो बैलेंस के खाते में कराई जाए। 125 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़ में से जो है क्या नाम 1 अरब को भी अगर आप करेंगे तो कितने पैसे जा रहे हैं आपके, आप पे आ गए हैं 80,000 करोड़ के करीब जो है क्या नाम बताया जा रहा है डोनेशन के आधार पे इकट्ठा हो गया। तो इन लोगों को राशन पानी की भी आवश्यकता है, थोड़े बहुत पैसों की भी आवश्यकता है, किसी भी तरीके का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि ये हालात जो है जो बद से बदतर होते जा रहे हैं, इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। ऐसे तो कमिश्नर साहब सहारनपुर का मंडलायुक्त का भी मैंने बयान देखा है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई आदमी भूख से मरा तो उसकी जिम्मेवार SDM होंगे। अब हम बताएं किस तरह राशन पानी की व्यवस्था किसी भी तरीके की कराई नहीं जा रही। पार्षद तो बिल्कुल निकम्मा साबित हो रहा है वार्ड 67 का। इस आदमी को तो जैसे कि किसी से मतलब ही नहीं है, दर्द ही नहीं है, दिल नहीं है इसके सीने में जो किसी के दर्द को समझ ले। पार्षद को अहम जिम्मेदारी दी हुई है, मेरे ख्याल से 70 वार्ड इस नगर निगम सहारनपुर में, 70 वार्डों में 2 पार्षद 2 वार्ड के पार्षद ये दोनों मियां बीवी हैं, इनसे निकम्मा एक साबित नहीं हुआ होगा। सब लोग अपने अपने वार्ड के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये दोनों वार्ड के पार्षद मियां बीवी दोनों, इन्होंने अब तक ना ही तो वार्ड 61 में और ना ही वार्ड 67 में दवाई छिड़कवाने तक का प्रबंध नहीं किया। किसी गली के अंदर अगर दवाई छिड़कवाई हो कोरोना वायरस जैसी बीमारी को दूर करने के लिए, इससे लोगों की हिफाजत करने के लिए, राशन पानी तो ये क्या पहुंचवाएंगे किसी के यहाँ। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि लोगों को जल्द से जल्द जो है राशन पानी का प्रबंध कराया जाए ताकि आगे के जो ये 14 दिन ज्यादा कठिन गुजरने वाले हैं इसमें लोगों को राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।